So just suppose we have installed all the required applications in this machine. Okay, now what we have to do, we have to configure this machine as a master image or golden image, right? So to configure any machine as a master image, what we have to do, we have to install that VDI client in that machine. So simply, this is our golden image. First, let's mount that ISO file, which is Citrix Virtual Apps and Desktop. I'm going back to RDP session. And here you will get this ISO has been installed. ओके okay, तो महेश जी ये क्या कहते हैं आईएसओ फाइल डायरेक्टली आप जेन सेंटर से जाके माउंट कर रहे हो। राइट, क्योंकि ISO मीडिया हम वहीं से माउंट करेंगे ना जहाँ हमारा फिजिकल हार्डवेयर है. मींस मैंने रिमोट ले रखा है, लेकिन मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो मेरा हाइपरवाइजर है, राइट? सो नाउ अगेन इट इज आस्किंग लाइक व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म. सिंपल, वी हैव टू परफॉर्म बोथ द थिंग्स, लाइक वी हैव टू वर्चुअलाइज एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप बोथ, राइट? सिंपली सिलेक्ट द साइकिल वन. नाउ इट इज आस्किंग मल्टीपल ऑप्शंस. अर्लियर इट वॉज आस्किंग फॉर डिलीवरी कंट्रोलर, वी हैव ऑलरेडी कन्फिगर्ड. Director, other thing we have already covered. Now what we have to do, we have to install a VDI agent now, right? For multi-session OS. Why it is saying multi-session OS? Because we are using server operating system, right? अगर हम Windows 10 use करते तो वो multiple operating system नहीं होता है, वो single user operating system होता है. Why? क्योंकि desktop operating system में एक यूजर एट अ टाइम लॉग इन कर सकता है, लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम लॉग इन कर सकते हैं, राइट? सो हियर वी आर गोइंग विद दिस वन. तो किस केस में हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन बनाएंगे और किस केस में डेस्कटॉप वाली? जब हमको एप्लीकेशन सर्वर बनाना हो, या फिर एप्लीकेशन पर्पस या लाइक पब्लिश करना हो, राइट? या फिर हमें कोई ऐसे रिसोर्स क्रिएट करना है जिसको मल्टीपल यूजर एट अ टाइम एक्सेस करें. सेम, जस्ट सपोज मैंने एक एप्लीकेशन पब्लिश किया विच इज नोन एज नोट पैड फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? एंड नोट पैड को मेरे बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, राइट? सो अगर बहुत सारे सेशंस एट अ टाइम आ रहे हैं, दैट मीन्स मुझे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही उसे होस्ट करना होगा. वाई? बिकॉज विंडोज का जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही यूजर को एट अ टाइम लॉग इन करने देगा. सो नाउ वी आर गेटिंग ऑप्शन टू क्रिएट दिस ऐसा मास्टर इमेज जो हम करने वाले हैं. अगर हमें मास्टर इमेज पीबीएस से या फिर फिजिकल मशीन को बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन एमसीएस, सो गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन. सो वर्चुअल डिलीवरी एजेंट इज रिक्वायर्ड, राइट? एंड दिस इज अ सेटिंग्स वर्कस्पेस एप्लीकेशन. अगर आपको करना है वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल तो कर सकते हो, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट. सो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ. दिस विल बी योर इंस्टॉलेशन डायरेक्टली, क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो दिस आर सम प्री डिफाइंड प्रीरिक्विसाइट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. सो हम डिफॉल्ट वन सेलेक्ट करेंगे. एंड फर्दर अगर आपको सिटिक्स फाइल आउटलुक के लिए विंडोज के लिए चाहिए हो एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. बट फॉर नाउ वी आर गुड विद द डिफॉल्ट वन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस आई टोल्ड यू, वीडीए क्लाइंट और वीडीए एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिकल मशीन टू द डिलीवरी कंट्रोलर, राइट? सो हेयर इट इज आस्किंग फॉर द डिलीवरी कंट्रोलर एड्रेस, लाइक किस डिलीवरी कंट्रोलर के साथ इस मशीन को कम्युनिकेट कराना है, राइट? सो वट आई हैव टू डू, आई हैव टू एंटर द एड्रेस ऑफ डिलीवरी कंट्रोलर, दैट इज DDC-02.techamtech.com. दिस इज माई DDC. लेट्स टेस्ट द कनेक्शन. कनेक्शन इज फाइन, एड इट. एंड अगर आपके इंफ्रा में मल्टीपल डिलीवरी कंट्रोलर्स हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर आप टाइप करके ऐड कर सकते हो, राइट? उस केस में अगर एक DDC डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड DDC पर स्विच कर देगा. बट इन आर केस वी आर हैविंग ओनली वन, दैट इज फाइन. सिंपली गो टू नेक्स्ट. नाउ दीज आर दी अदर फीचर्स फॉर डायरेक्टर फॉर लाइक विंडोज रिमोट असिस्टेंट टूल विच इज नॉट रिक्वायर्ड.
डिड यू रिमेम्बर द पोर्ट नंबर 1494 इज फॉर डॉट आई सी ए फाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट यू कैन रिमेम्बर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आई विल शेयर वन डॉक्यूमेंट विथ यू, उसमें सारा पोर्ट नंबर मैंशन होगा। हियर इज अ समरी व्हाट वी हैव सेलेक्टेड, राइट। अगेन डॉट नेट 4.8 जो कि मशीन को रिबूट करेगा ही करेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। ओके, क्लिक ऑन इंस्टॉल। इट विल टेक समवेयर अराउंड 10 to 20 minutes। सो अंकुर, राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इन सिटिक्स इंफ्रा इंफ्रा मीन्स यू आर क्रिएटिंग मशीन कैटलॉग्स और मैनेजिंग डिलीवरी ग्रुप्स, व्हाट यू आर डूइंग? अभी सर मेरा मतलब जितना मेरा काम है, अभी सबसे पहले तो मैं जैसे अभी जो नई रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, उस नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन कैटलॉग और डिलीवरी कंट्रोलर मैं खुद क्रिएट करता हूँ। जो मेरा साइट है वो ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, ठीक नहीं, है, साइट तो उसमें पहले से ऑलरेडी, क्रिएटेड होगा। जी उसमें ऑलरेडी मतलब मेरे आने से पहले लगभग 4-5 साल पुराना चल रहा है। अभी वर्जन भी मेरा 7.15 चल रहा है, अभी पुराना है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा अभी पूरा जितने भी जो मेरा काम है, तो अभी मेरे पास इश्यूज आते हैं कि भैया ये अरे प्रॉब्लम आ रही बाबा, है। इश्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो तुम्हारी मास्टर इमेज या गोल्डन इमेज है उसको अपडेट कौन जी करता है, तुम करते हो या फिर वो पहले से बना रखी है, उससे सिर्फ कॉपी बनाते हो? नहीं नहीं सर, बनी बनी रखी हुई है और सिर्फ उससे हम लोग इमेजेस इमेज को यूज करके नया डिप्लॉयमेंट कर देते ओके, अगर सपोज करो अगर कोई रिक्वायरमेंट आ गई टू ऐड न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि बहुत जी। रेयरली आती है, ठीक है, तो उस केस में वो काम तुम ही करोगे या फिर वो आगे से किसी कोई और सपोर्ट टीम है उसके लिए? नहीं सर, वो करना मुझे ही पड़ेगा। ओके, तो उस पर भी थोड़े हैंड्स रखना कि जो भी मास्टर इमेज या गोल्डन इमेज तुमने बना रखी है उसको भी कभी जी बूट करके देखना कि उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, ठीक सर। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है मनोज जी, तो सॉरी महेश जी, तो फिर क्या मतलब ये मास्टर इमेज जो भी होगी उसी पे नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर हम बूट कराएंगे ना दूसरे डिवाइस को? वी हैव टू ऑप्शन, या तो हम सेपरेट बना लें टेस्टिंग पर्पस के लिए, मींस अच्छा एक एक डिफरेंट मशीन कैटल और सॉरी मास्टर इमेज बना लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज आर मास्टर इमेज राइट और गोल्डन हाँ हाँ इमेज, या तो हम लाइव एक्टिविटी परफॉर्म कर दें इसमें जो भी हमें करना है, या फिर हम इसका स्नैपशॉट लेकर के इसकी एक मिरर कॉपी बना सकते हैं और उस मिरर कॉपी में जो भी R&D करना है वो कर सकते हैं। अगर वो R&D अच्छा सक्सेसफुल होता है तो हम जो स्नैपशॉट हमने इससे लिया है उस स्नैपशॉट से हम न्यू मशीन्स बना के दे सकते हैं यूजर्स को। ओके, तो उस केस में हमारे पास ये भी इमेज पड़ी होगी और ये स्नैपशॉट वाली भी इमेज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, गोल्डन इमेज। राइट, क्योंकि हम लाइव चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ना, अगर रोल बैक करना हुआ तो फिर कैसे करोगे, तो रोल बैक ऑप्शन हमेशा तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ MCS में भी मर्ज का कोई ऑप्शन होता है क्या? नहीं, नहीं होता। महेश सर, एक चीज और पूछ रहा था मैं आपसे। वो हार्डवेयर वाला पार्ट आपने देख लिया था मेरा? ध्यान नहीं है यार, मुझे बताओगे दोबारा, एक्सप्लेन करोगे? सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास इतने सारे काम हार्डवेयर की आप मुझे हार्डवेयर की डिटेल देने वाले थे हैंडसोन के लिए। सही में याद नहीं आ रहा है। हार्ड मुझे इस मीटिंग के बाद कॉल कर लेना कसम से। मैं कॉल करूंगा। बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं इवन आप कहीं मुझे ना कहीं फंसे रहते हो आप। हाँ मुझे पर्सनली कॉल कर लेना मैं कॉल कर लूंगा आपको। और उसी टाइम पे खत्म भी करवा लेना, जो भी रिक्वायरमेंट तुम्हें चाहिए ना ऑन कॉल ही करवा लेना मुझसे, तो वो ठीक तुम्हारा है काम हो जाएगा, अदरवाइज वो डिले हुआ तो फिर वो डिले होता रहेगा। ठीक।
महेश जी, ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया है कि नहीं वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अभी तक ऐसे ही आ रहा है कि कैंसिल का ऑप्शन दिखा रहा है बस, अब उस पे किस पे? कैंसिल वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉलेशन, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बार आप कह रहे हो कि इसको वो कर लेना है, अरे रिस्टार्ट कर बाबा, लेना है सिस्टम। ना, रिबूट मारते सी ड्राइव पे जाओ, वहां पे माय कंप्यूटर में जाकर के, वहां पे जैसे डीवी ड्राइव माउंट होती है ना, वहां पे वो माउंट हुआ होगा, वहां से राइट क्लिक करके रन करो उसको, ऐसे है, देखना नहीं है उसको, नहीं समझे? क्या एक अच्छा ओके, करते हो अब यार, उस इसीलिए तो आपके पास आए हैं। इतना बेसिक नहीं है, ऐसे तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा किसी दिन। वो सारे के सारे वीडियोस देखना, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं ना, और जितना टाइम दे सकते हो दो, अपने जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करो, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन उस पर कंटिन्यू काम करो। आज मंडे है ना, राइट? सो ट्यूसडे है सर, ट्यूसडे ट्यूसडे नहीं है, मंडे है। कौन बोला ट्यूसडे? ट्यूसडे है सर। सर अरे मंडे है यार, क्या बात करते हो यार, 18 तारीख है, 18। 18 नहीं 17 होगी यार, एक सेकंड, सर मैं, मत तो करो सर, कल अरे सॉरी यार, मेरा ही दिमाग खराब चल ऑफिस गया था रहा सर, मैं मंडे था। है। ठीक, अच्छा कल मैं डेंटिस्ट के पास गया था ना, तो मेरा दिन भर वहीं हाँ, निकला, तो मेरा दिमाग आपने खराब मुझे हो मैसेज गया। किया था। उसने भी यार मेडिसिन वगैरह दिया है, देन बोलता कि कुछ टूथ में कुछ इशू है, रूट कैनाल वगैरह करना पड़ेगा, तो उसने मुझसे 7 दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के रखा है। वो थोड़ी सी दर्द भरी है सर, वो रूट कनाल वगैरह। दर्द भरी है, लेकिन यार वो बचपन के कुछ हैं पाप जो कर लिए थे दांतों के साथ, अभी वो कराना जरूरी है। कराना जरूरी है। वो देखता हूँ, अगर वो होता है तो एक आध दिन क्लास को कैंसिल करेंगे अपन, होगा जैसे अभी मैं बता दूंगा, क्योंकि उसने बोला था कि जब वो करेगा तो कुछ 1-2 दिन स्वेलिंग रहेगी थोड़ी सी। एक दो दिन स्वेलिंग रहेगी, आप बात भी नहीं कर पाओगे, लिक्विड खाना पड़ेगा, लिक्विड पीना पड़ेगा एक दिन। तो मैं उसको ट्राई करूंगा वीकेंड में ही कराने का, क्योंकि मेरे भी ऑफिस के कॉल्स वगैरह रहते हैं, तो उनके सामने कैमरा ऑन करके इतना बड़ा चेहरा लेके तो बैठूंगा नहीं। देख लेना, आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसने भी फिलहाल ऐसा प्रिकॉशन, अभी उसने कुछ टैबलेट्स वगैरह दी हैं जो कि जो क्या बोलते हैं, स्वेलिंग जो अभी है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो भी कुछ एक्शन लेगा नहीं। स्वेलिंग कम करने के लिए दवाई दी होगी इसमें। स्वेलिंग कम करने के लिए उसने दवाई दी है फिलहाल, देखते हैं 3 दिन में कितनी स्वेलिंग कम होती है। आई थिंक 3 दिन बाद हो ही जाएगा, वीकेंड आ ही जाएगा।
ओके गाइस, सो इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन में कभी भी इतना टाइम नहीं लेता है। हमारे पास टाइम सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड हार्डवेयर है। सो वी आर जस्ट लर्निंग अप द थिंग्स, राइट? सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट डन इंस्टॉलिंग वीडियो एजेंट नाउ। ओके, लेट्स वेट फॉर इट। ओके गाइस, सो ये इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा, नो इशू। सो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव लर्न, हमने सीखा कि एक वीडी एजेंट क्यों इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो वीडी एजेंट को इंस्टॉल करते हैं व्हाई, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर मशीन या वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन को जब हमें एक गोल्डन इमेज बनाना हो तो सबसे पहले हम एक ओएस डिप्लॉय करेंगे। ओएस डिप्लॉय करने के बाद जो भी उस पर्टिकुलर मशीन को डोमेन में ज्वाइन करेंगे, देन जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एंड एट लास्ट हम वीडीए एजेंट इंस्टॉल करेंगे टू कॉन्फिगर दिस एज अ मास्टर इमेज और गोल्डन इमेज। ओके, नाउ इन अपकमिंग सेशंस वी विल कवर थ्री थिंग्स टुगेदर। ओके, क्रिएट मशीन कैटलॉग, डिलीवरी ग्रुप एंड स्टोर फ्रंट। वाई? बिकॉज ये बहुत ही छोटे छोटे सेशंस होने वाले हैं क्योंकि इनमें इंस्टॉलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमें कॉन्फ़िगर करना है चीज़ें। जो लेंदी वन था दैट वाज दिस वन एंड दिस वन जो हमने कवर कर लिया है, तो एक सेशन में हम ये तीनों के तीनों फिनिश कर देंगे एंड इट्स स्टिल रनिंग। ओके, वो एक्चुअल में बताता 2 मिनट है लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो हम कल मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, अगर आप लोग अवेलेबल हो तो हम लोग इवनिंग में भी ये खत्म कर सकते हैं आफ्टर 7। है कोई अवेलेबल इवनिंग में आज? आई एम हेलो, नॉट मुझे कोई अवेलेबल, दिक्कत नहीं है सर। क्या? मैं अवेलेबल नहीं हूं महेश जी, आई विल बी ओके, अवेलेबल आफ्टर 10 ओनली। नहीं यार बहुत लेट हो जाता है मेरे, रात में भी कुछ। एक्चुअल में मैं खुद 7 बजे के बाद फ्री हो पाता हूँ, देन 8 से 9 तक कुछ सेशन स्टार्ट होते हैं, 10 बजे भी प्री शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में करेंगे हम ये। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन, कुछ नहीं है, ये इंस्टॉल होगा उसके बाद मशीन रिस्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ओके, सो आई थिंक वो अपना टाइम लेगा एंड वी आर गुड टू कंक्लूड द कॉल, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर बस वो मेरा पावर शेल का स्क्रिप्ट भेज देना प्लीज।
अरे वो इसका पार्ट नहीं है रे, वो पर्सनल है वो मेरे ना को। ना, हाँ इसमें इसमें कुछ नहीं पूछना मेरे को। ठीक तो ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक एक स्क्रिप्ट, या वो महेश बेसिक स्क्रिप्ट तो खुद जी, ही बना लो ना यार, इतना थोड़ा सर सीखो मैंने ना, एडिटिंग। कोशिश करी थी, हाँ लेकिन ना मेरे वाले में वो बार बार एरर दे रहा है। ठीक मैं तुम्हें एक है, स्क्रिप्ट बना के भेजता हूँ, सुनो, जो स्क्रिप्ट मैं बना के भेजूंगा ना, उसमें जो यूजर नेम मेरा रहेगा वो सब तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, उतना तो कर वो लोगे मैं ना? कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा सर। इस लाइक यूजर नेम एंड डोमेन नेम वो सब रिप्लेस कर लेना, हाँ ठीक है? वो मैं हटा दूंगा, वो मैं हटा दूंगा सर। ठीक है। हाँ यस पवन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, वो अच्छा वो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके बाद बूट करने के बाद भी, मतलब रिबूट करने के बाद भी वो अभी भी मतलब वही कंडीशन है सेम। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो। आपको अपनी स्क्रीन वो करनी पड़ेगी। कंट्रोल दो मुझे। दे दिया है। पता नहीं क्या, एक्चुअली मैं वर्क नहीं कर रहा। ओके एनीवे, एक काम करो, मैं कंट्रोल यहाँ से हटा देता हूँ। कहाँ गया? ओके एक काम करो, इसका वो वापस से लोकल सर्वर पे जाओ, लोकल सर्वर पे क्लिक करो। ये इथरनेट 0 पे क्लिक करो। ओके एक काम करो, हाँ इंटरनेट जी, एक्सप्लोरर ओपन करो और google.com ओपन करो। इसको मिनिमम कट, अरे कट नहीं करते रे सर्वर में कभी भी, जो खोल दिया तो खोल दिया, दैट इज फाइन। ओके। google.com हेलो ओपन गाइस, करो। आई थिंक इंटरनेट इज वर्किंग। ठीक नॉट है, वर्किंग। ना ना ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके करो। DNS हटा दो IP से जा करके, इस पर डबल, अरे उसी वहीं से चले जाओ ना, एडिट कर लो। यहाँ से जो DNS है वो हटा दो। ये हटा दूं, ये कह रहे हैं आप? हाँ DNS हटा दो, इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दो DNS को। एक काम करो, ऑप्टेन IP को भी ऑटोमेटिक करो, DNS को भी ऑटोमेटिक करो, दोनों को ऑटोमेटिक करो। ओके करो। मतलब कुछ IP गलत डाली थी, ठीक है। अब वापस से IP चेक करो क्या आ रहा उसी पे, अरे वहीं से चेक करो, वहीं से। हाँ ओके, गेटवे 126.2। ये अभी भी वही पुराना वाला ही ले रहा है क्या? हाँ वही लेगा ना वो तो। ठीक है, एक काम करो, सिर्फ IP और गेटवे, IP और सबनेट डाल के छोड़ दो इसमें, गेटवे मत डालो। IP और सबनेट। हाँ IP और सबनेट डाल के छोड़ दो, जो IP दिखा रहा था ना वही IP डाल दो। या फिर एक काम करो, रुको 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 रुको, क्या था हाँ आईपी जी, सेगमेंट, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, उसको वैसे ही रहने दो, सीएमडी इट्स ओपन कर लो। आईपी कॉन्फ़िग डालो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 126.149। ठीक है जाओ उधर आईपी पे, वो जो विंडो ओपन था, अरे डबल नहीं, ओपन है ऑलरेडी, ओपन है वो, कहाँ चला गया। हाँ
192.168.126.100 कर दो इसको। हाँ गेटवे डॉट 126.2 कर देना जो वहां दिखा रहा था। ओके 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 कर दो। और यहाँ कुछ नहीं डीएनएस में कुछ भी नहीं। ओके कर दो। इसको एक बार डिसेबल करके फिर से इनेबल करूँ? नहीं वेट करो। ठीक है एक काम करो फिजिकल मशीन का नेटवर्क अडाप्टर अभी उठाओ वहां देखो वो आईपी क्या उठा रहा है क्योंकि गेटवे तुम्हारा वही होने वाला है। ये वीएम नेट यहाँ 8 जो है ना इसका आईपी देखो क्या है। वन टू सिक्स डॉट वन यहाँ पर कोई भी गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। एक काम करो इस पे इसको एडिट करो किसको इसमें आईपी डालो। हाँ इसमें आईपी इंसर्ट करो 126.1 कर देना और गेटवे डॉट टू कर देना। एक सेकंड, आप ये कहाँ पे कह रहे हो? आप मेरे को ये लोकल सिस्टम पे ही कह रहे हो या फिर वापस हाँ से जाके सर्वर वाले? लोकल सिस्टम पर ही बोल लो। अच्छा अच्छा ये ऑलरेडी तुमने मैनुअली डाला हुआ है क्या यहाँ पे? अच्छा नहीं, मैंने कुछ, एक सेकंड, ये मैंने नहीं डाला था, ये कैसे हो गया? इसको ऑटोमेटिकली करो इसको भी ऑटोमेटिकली करो। ओके करो अगेन ओके करो। इसको अनेबल करके डिसेबल मार देना एक बार। यहीं से डिसेबल हो जाएगा ना ये? हाँ यहीं से हो जाएगा। वापस से अनेबल करो। अब आईपी चेक करना ये बाय डिफॉल्ट क्या आईपी उठा रहा है। ठीक है डीएससीपी स्कोप जो है 254। ठीक है और क्लोज करो इसको भी क्लोज कर दो। अभी सर्वर पे जाओ। एक काम करो जी इसमें इसको भी एक बार डिसेबल करके अनेबल करके देखो। अदरवाइज हमें वीएमवीआर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज करनी पड़ेगी। नहीं हो रहा है ठीक है एक काम करते हैं ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए हम सेपरेटली कनेक्ट हो जाएंगे। ओके हाँ ओके, व्हेन वी कैन कनेक्ट? थोड़ी देर बाद जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दो ब्रश रश कर लेते हैं देन विल कनेक्ट। ओके ओके ठीक है, श्योर, थैंक यू। बाय। ओके सर, बाय सर।